दोस्तों, व्हाट्सएप हैक होने की दिक्कत लगातार बढ़ती ही जा रही है और दोस्तों काफ़ी लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कैसे रोका जाए। तो दोस्तों मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ एक व्हाट्सएप ट्रिक के ऊपर, मतलब कि कैसे व्हाट्सएप को सेफ रह सकते हैं और आपका जो मैसेज रहता है वो वायरल भी नहीं होगा, मतलब जैसे कि आप कोई जांच भी होगी तो उसमें आपका मैसेज वायरल नहीं हो पाएगा। तो ये सब सेटिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन बारे में। जैसे कि मैं दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो भी वीडियो आएगी उसमें आपको व्हाट्सएप ट्रिक के ऊपर बताया जाएगा कि कैसे हम टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा पाएँ। तो इस वीडियो में आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाने के बारे में बताऊँगा कैसे आप व्हाट्सएप में लगा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे हमेशा आती रहती है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं व्हाट्सएप पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों हमारे पास बहुत सारे ग्रुप और नंबर भी हैं। अब हम आपको बताएँगे कैसे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर थ्री जो लिंक है यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, डाटा एंड स्टोरेज, यूजेज, हेल्प, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अकाउंट पर क्लिक करना होगा। अकाउंट पर क्लिक करते ही आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको इनेबल का ऑप्शन मिलेगा। इनेबल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 6 डिजिट पिन का ऑप्शन देगा, जैसे कि मैं पहले ही आपको बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी पिन देना हो यहाँ पर रख देना है, जैसे कि मैं ये वाला पिन दे दिया। फिर से कन्फर्म योर पिन, फिर से वही। अब देखिए दोस्तों आपका ईमेल पूछेगा। ईमेल को आप स्किप भी कर सकते हैं, मतलब कि क्या होता है इसमें, जैसे कि आप दोस्तों अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप ईमेल की सहारा से आप ईमेल की सहायता से अपना पासवर्ड को फिर से रिकवर कर सकते हैं, मतलब कि उसको फिर से फॉरगेट करके अपना नया पासवर्ड डाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों ईमेल रखा जाता है, स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करेंगे तो आपका ईमेल का ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ईमेल ज़रूर यहाँ पर रखें, जिससे आप कभी भी अपना पासवर्ड भूले तो ईमेल के सहारे से अपने व्हाट्सएप को ओपन कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम ईमेल भी यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ईमेल रख दिया हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। कंफर्म योर ईमेल मांगेगा, तो मैं कंफर्म योर ईमेल दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं कंफर्म ईमेल दे चुका हूँ। और यहाँ पर मेरा यहाँ पर सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देना, अप्लाई सेटिंग पर हो जाएगा। ये आपका देखिए दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो गया है। डन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस फिर से देगा। अगर आप डिसेबल करना चाहें डिसेबल कर सकते हैं, पिन चेंज करना चाहें पिन चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहें तो ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो हमको कुछ नहीं चेंज करना है, तो यहाँ पर दोस्तों हम ऐसे ही कर देंगे। इसका आपको खास कब आपका वेरीफाई मतलब बेनिफिट होगा इसमें, जब आप दूसरे डिवाइस में अपने फ़ोन नंबर को व्हाट्सएप से मतलब कनेक्ट करेंगे या जोड़ेंगे, तो आपको दोस्तों यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ओपन मतलब कि वहाँ पर मांगेगा। जब तक आप टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं देंगे तब तक आपका व्हाट्सएप चैट ओपन नहीं होगा। तो यही इसमें फ़ायदा होता है दोस्तों, यही सबसे बेनिफिट इसमें है। तो आपको ये बताना था, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है।